Hi guys, I am Kishan Kumar, working in ONGC as an assistant executive engineer. मैंने GATE 2017 में 3000 रैंक स्कोर किया था, बट वो PSU में एंट्री के लिए सफिशिएंट नहीं था. फिर उसके बाद मैंने 2018 में फिर से GATE दिया, जिसमें मेरा रैंक आया 508. फिर उसके बाद मेरा ONGC में सिलेक्शन हुआ. मैंने बहुत सारे PSU, ऑलमोस्ट 15-16 PSU का इंटरव्यू दिया था, और मोर देन 7-6-7 PSU में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था. फिर मैंने ONGC चूज़ किया और अभी मैं ONGC में काम कर रहा हूँ. मेरे इस सक्सेस के पीछे GATE मेंटर और अरविंद राय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है. उनका सपोर्ट और उनका जो गाइडेंस है, वो मुझे इस जगह तक पहुँचने में, इस मुकाम तक पहुँचने में बहुत सहायता किया. अगर हम बात करें GATE की, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा GATE के लिए. GATE में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना है. आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बेटर रहेगा. और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, GATE एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो. मॉक टेस्ट देना बहुत सही है इसमें. और अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, तो टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स पे, अगर जैसे होता है कि हम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो कम नंबर आ जाता है, जैसे कि 100 मार्क्स का टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो 40-50 मार्क्स आ रहा है, तो हमें उस चीज़ को देख के निराश नहीं होना है. एक्चुअली टेस्ट सीरीज़ होता है कि हमारी क्या कमियाँ हैं, हम कहाँ पर चूक कर रहे हैं, कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही है. टेस्ट सीरीज़ इसके इस चीज़ के लिए होता है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें, फिर उसको रेक्टिफाई करें, उस कमियों को दूर करें. जैसे कि GATE में, मोस्टली GATE में होता क्या है, GATE एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आप देखा जाए तो जिसके रैंक 5000-6000 के अंदर है, ऑलमोस्ट सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ऑलमोस्ट सब पढ़े होते हैं, सबका ऑलमोस्ट सेम लेवल होता है, बट जो सिली मिस्टेक ज़्यादा करता है उसका नंबर कम आता है और फिर रैंक पीछे चला जाता है. जिनसे मिस्टेक कम होते हैं उनका रैंक अच्छा बन जाता है, मोस्टली देखा जाता है. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. आप वही अपनी कमियों को, जो मिस्टेक होता है, कहीं GATE में क्या होता है, मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें कई लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, किसी का कॉन्सेप्ट मिस्टेक होता है, तो बहुत सारे मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं. कुछ लोग जब हम GATE से एग्ज़ाम, जब पेपर हॉल में पेपर मतलब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमसे मिस्टेक हो जाता है. जब हम बाहर आते हैं तो लगता है कि ये क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए था, बट वो हमसे गलत हो जाया रहता है एग्ज़ाम में. तो ये सब चीज़ें होती है, तो मोस्टली अपनी गलतियों को सुधारना होता है, और जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज दें उतना बेहतर है. अपनी कमियों को दूर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और अगर चाहे तो शॉर्ट नोट्स बनाना भी बेटर रहता है, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो. जिससे क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें जो भूल जाते हैं, उस चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, अगर हम उसको शॉर्ट नोट्स में रखें और उसको बार बार से पढ़ते रहें जब भी हमें टाइम मिले.